फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड फ्रेंड, मैं सबासी बैक है विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो? तो गाइस, यहाँ पर एप्पल ने साइलेंटली कल अपने एक इवेंट के अंदर अपना जो बेसिकली ओवर द ईयर हेडफोन्स उन्हें लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम एप्पल ने रखा है एयरपॉड्स मैक्स। अच्छा, ये पहले ऐसे मेरे ख्याल में एप्पल के जो हेडफोन्स है जो मार्केट में लॉन्च हुए हैं। अब इनके प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं और ओवरऑल चीज़ें जो नई नई आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो गाइस सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजा के ऑल पे कर दो, ताकि आपको मेरे जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मुझे आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन डू फॉलो मी इंस्टाग्राम बाय द गिवन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो ये ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं, इनकी जो प्राइस है वो है $549। ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस है। लेकिन यार, एप्पल के लिए चार्ज करना थोड़ा सा वो ये है कि एप्पल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रीमियम लोगों के लिए होते हैं, तो एक आम लोगों के लिए एप्पल नहीं है। तो जिसको पैसे खर्चने हैं वो एप्पल पे खर्चता है, जैसे कि 2.5 लाख रुपया भी देखो, जो पहले दिन रेट था आईफोन 12 प्रो मैक्स का वो 2,90,000 रुपये था और वो फ्लक्चुएट हुआ, 2.5 लाख तक भी आया, लेकिन लोगों ने 2,90,000 दे के पहले दिन ही आईफोन लिया। तो लोग ये मैटर नहीं करता कि कितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है एप्पल के लोग लेते हैं। मैं आपको आगे चल के इसके बारे में थोड़ी प्राइसिंग पे और बात करूँगा, लेकिन फिलहाल भी इस पर और बात करते हैं क्या क्या नए फीचर्स आए। तो पहले जो बात है कि ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं, मतलब कि पूरे कान जो है कवर करेंगे आपके। तो इसमें ऐसा है कि आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो मतलब बाहर की जो ऑडियो है वो बहुत कम आने वाली, मतलब ना होने के बराबर आने वाली है। तो आप सिर्फ जो ऑडियो सुनेंगे उससे वो काफ़ी ज़्यादा जो सही अच्छी आने वाली है, तो बाहर की जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह है वो नहीं आने वाली यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बेसिकली वायरलेस एप्पल हेडफोन्स हैं और जो मुझे इसका डिज़ाइन लगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जो काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें, ग्रीन, स्पेस ग्रे, ब्लू, पिंक, के सारे कलर्स इसमें अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलती है एप्पल के इन हेडफोन्स के अंदर। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर ऑर्केस्टिक डिज़ाइन, कैसी डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को। फिर आप लोगों को यहाँ पे 40 मिलीमीटर का जो एक बेसिकली डिज़ाइन लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पर एप्पल ओवर द ईयर हेडफोन्स के अंदर। और ऑडियो क्वालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमेजिंग आने वाली हैं। ये बेसिकली वही पॉपअप मैकेनिज्म है होगा, वही मतलब मैकेनिज्म हो, जैसे आप इन्हें ओपन करेंगे तो एकदम से आपके आईफोन पे पॉपअप आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये ऑर्बिट वाइज से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन चूंकि एप्पल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं तो एप्पल के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी पॉसिबल है। यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, जो बेसिकली बाहर का इसका वो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, मतलब बाहर का जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को H1 चिप्स देखने को मिलती है यहाँ पर, जो एप्पल की अपनी चिप्स हैं जो बेसिकली उनके एयरपॉड्स वगैरह के लिए होती हैं, तो ये चिप इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ओवरऑल प्राइसिंग तो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल्स कॉम्पिटिटर्स, बट एप्पल में से कॉम्पिटिशन से आउट चलता है। तो मुझे लगता है प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ी कम अगर रखते तो कॉम्पिटिशन में रहता है, लेकिन आपने हमेशा देखा है कि एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव भी होते हैं और कम प्राइसिंग में नहीं आते। तो अगर देखो वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक ठोकना इस वीडियो पर, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, Allah Hafiz.